नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। मैं ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगा जो कि इस साल और अगले साल में आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप उसको थोड़ा और लंबे समय के लिए रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में या उसमें कंटिन्यू निवेश करते रहेंगे तो उस म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको 30% या 40% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो जो म्यूचुअल फंड है आपको अच्छा मुनाफा बना करके दे सकते हैं। मैं उन म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करूंगा, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से वो सारे के सारे वीडियो जो हैं मैंने अपने म्यूचुअल फंड की जो प्लेलिस्ट है उसमें रखे हुए हैं। आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको बेसिकली मैंने सबसे पहला जो वीडियो बना के रखा है कि आप जब म्यूचुअल फंड कोई भी बाय करते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस रहता है और आप इसको किस तरीके से स्विच कर सकते हैं ऑनलाइन के मेथड के थ्रू, वो मैंने पूरा का पूरा अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अगर आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड लेते हैं और ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। तो ये कुछ एक वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं और जिनको देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड और भी अच्छे से ले पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। तो जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, जो उनको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की बेल आ रही होगी उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो म्यूचुअल फंड की डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको टाइम और इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से रिलेट करना चाहिए। तो मैं आपको ब्रीफली जल्दी से बता देता हूँ, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर की है अपने बाकी वीडियो में। अगर आपका छोटा टाइम होरिजन है यानी कि 3 साल तक के ही है तो आप फिक्स रिटर्न की तरफ देख सकते हैं। अगर 3 से 5 साल का है तो आप इक्विटी FD दोनों में रेशो रख सकते हैं 30-70% के हिसाब से। 5 से 8 साल का अगर एक्सपोजर है तो आप 50-50% एक्सपोजर रख सकते हैं। 8 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 70% इक्विटी में लगा सकते हैं और 30% FD में लगा सकते हैं, या फिर ये रेशो आप इक्विटी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए अब हम ये भी देखेंगे कि जब फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को देखना चाहिए। तो इसको मैं बेसिकली रिलेट करके बताता हूँ कि जब भी आप कोई फंड सेलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो वो आप एक तरीके से IPL टीम बनाने की या फिर आपको अपनी कोई क्रिकेट टीम बनानी हो तो उस चीज़ को नज़र में रख के हमेशा म्यूचुअल फंड भी लेना चाहिए। तो उसके बेसिकली मैं 8 क्राइटेरिया डिसाइड करता हूँ जो कि आपको देखने चाहिए, जिसमें पहला होता है कि आपका गोल क्या है और आप उसके ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क जो है टाइम के डिपेंडेंट हो जाता है, अगर आपका लंबा टाइम है तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। गोल आपको घर लेना है, बच्चों का एजुकेशन है या फिर शॉर्ट टर्म गाड़ी लेने के लिए है तो वो हो जाता है। फंड आपको किस तरीके से लेना चाहिए, अगर आपका मैनेजर है, जो फंड का मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, फंड का साइज क्या है, पोर्टफोलियो यानी कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं वो देखना चाहिए, फंड का जो है आपका बेंचमार्क के हिसाब से क्या रिटर्न उस फंड ने दिया है वो देखना चाहिए। कोई कोई म्यूचुअल फंड रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लेते हैं और उनका एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा होता है। ये जो 2 पैरामीटर ये हिडन रहते हैं, नॉर्मली आपको आसानी से देखने से नहीं मिलते हैं, तो मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका जो लिंक है आपको टॉप राइट कॉर्नर में जो आई सिंबल है वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो उस म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें से एक स्टॉक है सन फार्मा। अगर आप इसके पैटर्न पे देखेंगे, इसका जो ट्रेंड देखेंगे वो आप देख सकते हैं कि 2015 के बाद से इस स्टॉक में कंटिन्यूसली डाउनवर्ड का डायरेक्शन बना हुआ है, यानी कि पिछले लगभग 3 साल से स्टॉक जो है डाउनवर्ड जा रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऊपर के लेवल से यानी कि 1200 के लेवल से लगभग 50% तक का करेक्शन इस स्टॉक में आ चुका है। और यहाँ पे आकर के आप देखेंगे, क्योंकि अब ये जो चार्ट है इसमें एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है लगभग 1 साल से एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है और रिसेंटली जो भी न्यूज़ इस स्टॉक से रिलेटेड आई है तो फिर ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ के डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी तरीके का जो अगला स्टॉक है हमारा वो है अबॉट इंडिया। अगर इसका भी आप ट्रेंड देखेंगे तो 2016 के बाद से एक तरीके से डाउन ट्रेंड में था और पिछले साल से इसमें एक तरीके से अप मूव आई है, लेकिन इस ड्यूरेशन में इसने एक तरीके से निगेटिव रिटर्न ही बना करके दिया था और अभी इसमें बहुत ही अच्छा मूव आया है। अगला जो स्टॉक है उसमें भी अगर आप देखेंगे सनोफी इंडिया, इसमें भी आप देखेंगे 2015 के बाद से लगभग 2018 तक एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा था, 4000 से लगभग 4500 के रेंज में स्टॉक ने घूमा था। तो किसी भी तरीके का ज़्यादा रिटर्न बना करके इसने किसी को भी नहीं दिया था, लेकिन अब क्योंकि ये ब्रेकआउट यहाँ से आ चुका है तो आगे आने वाले दिनों में
और भी ज्यादा अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है। उसी प्रकार का अगला स्टॉक है जो कि है इपका लेबोरेटरीज। इसमें भी आप देखेंगे 2014 के बाद से कंटिन्यूसली गिरावट आई थी और ये स्टॉक भी लगभग 50% अपने ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका था और अभी फिर से इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज जो मुझे पता चलती है अपडेटेड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वो चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के। इसी तरीके से जो अगला स्टॉक है वो भी आप देखेंगे जो कि है सिप्ला। इसमें भी 2015 के बाद से गिरावट आई थी और एक तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है 500 से 600 रुपए के लेवल में ही काफी दिनों से ये स्टॉक घूम रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे ये महीने में जो भी करेक्शन लास्ट मंथ में हुआ था वो करेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुका है, उसके ऊपर ही करंटली कोट कर रहा है, तो यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। और जिस तरीके से सिप्ला की कई दवाइयों को अप्रूवल मिला है, FDA की तरफ से भी कई अप्रूवल मिले हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो बेसिकली फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली फार्मा म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। इस बार मैं जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक सेक्टर स्पेसिफिक होकर के म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो इस फार्मा म्यूचुअल फंड में आपको जो भी आपका प्रिंसिपल रहेगा उसका सिर्फ मैक्सिमम 20% एक्सपोजर ही आप इस पर्टिकुलर फंड में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपोजर लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो जो लोग रिस्क उठा सकते हैं ज़्यादा सिर्फ वही अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, अदरवाइज आप 15 से लेकर 20% तक का ही एक्सपोजर इस फंड के ऊपर रख सकते हैं। अब अगर इस कैटेगरी के लिए या इस सेक्टर के लिए फंड्स की बात करूं तो रिलायंस म्यूचुअल फंड है, UTI का हेल्थ केयर है, टाटा इंडिया फार्मा है और इसी तरीके से SBI हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड। ये चार तरीके के म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में करंटली अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिलायंस फार्मा ने पिछले एक साल में लगभग 15% तक का रिटर्न दिया है, वहीं अगर हम UTI का देखेंगे तो 1.9 दिया है, टाटा का देखेंगे तो 1.8 दिया है। लेकिन अगर हम एक मंथ में और 3 महीने में देखेंगे तो उस एरिया के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि रिलायंस और जो टाटा म्यूचुअल फंड है यही दो अभी करंटली सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली यही दो म्यूचुअल फंड लिए हैं, अब इसका मैं एनालिसिस करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों की होल्डिंग या फिर दोनों का जो पोर्टफोलियो है मैं वो आपके सामने लाया हूँ, एक टाटा म्यूचुअल फंड है और जो दूसरा है वो रिलायंस फंड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे टाटा म्यूचुअल फंड में सन फार्मा के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग है, लगभग 15% का होल्डिंग है, वहीं अगर रिलायंस का देखेंगे तो अबॉट और सन फार्मा में मिलाकर के लगभग 25% का होल्डिंग आ जाता है। और इसके जो मैंने आपको चार्ट दिखाए, बेसिकली आपको सन फार्मा का चार्ट दिखाया था, इपका लैब का दिखाया था, अबॉट का दिखाया था, सनोफी का दिखाया था, सिप्ला का दिखाया, तो इन सभी के चार्ट आपने देखे हैं वो लगभग अपने टॉप लेवल से 50% तक करेक्ट हो चुके थे या किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट कंसोलिडेट होने में लगे हुए थे। तो इस वजह से अब इन सभी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इन सभी का परसेंट लगभग 35 से 40% तक निकल आता है इनका जो पूरा वेटेज है। और इसी वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है आज पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनके ऊपर रिपोर्ट निकल के आई है ब्रोकरेज हाउस की कि ये जो कंपनियां हैं उनको बहुत ही अच्छे से अप्रूवल मिल रहा है US की तरफ से, उनकी FDA की तरफ से, और जिस तरीके से इंडियन फार्मा कंपनी जो है अभी चाइना की तरफ भी अपना जो रुख कर रही है वहां से इनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वहां से इनका एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो इस कंपनी के लिए या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और क्योंकि अब मार्केट में जिस तरीके से गिरावट आ रही है और आने वाले 1 से 1.5 साल ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितता बनी रहेगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो ऐसे समय में डिफेंसिव सेक्टर में ज़्यादा बाइंग देखी जाती है और फार्मा जो है वो डिफेंसिव सेक्टर में ही काउंट किया जाता है। तो उस वजह से अगला 1 से 1.5 साल जो है वो फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा रहने के चांसेस हैं। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड भी जो फार्मा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो भी अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये दो म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखी है मैंने और ये दो म्यूचुअल फंड फाइंड किए थे कि टाटा म्यूचुअल फंड और रिलायंस म्यूचुअल फंड जो कि फार्मा से बिलोंग करते हैं ये दो आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। इनके जो मैंने बेसिकली स्टॉक्स आपको बताया उन सभी में एक तरीके से टर्न अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड भी आपको लगभग 30 से 40% का मुनाफा बना करके दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसका इस्तेमाल करके आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना पाएंगे, आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आसानी भी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ मुझे पता चलती है वो अपडेट करता रहता हूँ।
एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पर्पज के लिए बनाया है। मैं किसी को भी इस म्यूचुअल फंड में बाय करने का कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है एजुकेशन के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको पोटेंशियल लगता है, तो एक बार आप अपने तरफ से भी रिसर्च करें या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही इन म्यूचुअल फंड में अपनी कोई भी पोजीशन बनाएं।